कुक विद मानसी को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब बटन दबा के, और बेल आइकन प्रेस करें सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मानसीज किचन। इस वीडियो में हम बनाएंगे मैंगो शेक। बहुत ही इजी रेसिपी है और सभी को पसंद आने वाली रेसिपी है। तो मैंगो शेक बनाने के लिए हम लेंगे ब्लेंडर का जार, जिसमें हम डालेंगे रफली कटे हुए मैंगोज और थोड़ी सी चीनी। आम मीठे हैं इसलिए मैंने चीनी कम ऐड की है, बाकी आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। थोड़ा सा केवड़ा एसेंस इसमें डालेंगे। जब भी कभी हम मार्केट में मैंगो शेक पीते हैं तो उसमें एक अलग ही तरह की फ्रेग्रेंस होती है और टेस्ट होता है। बाजार में भी केवड़ा एसेंस यूज़ किया जाता है। एक चम्मच वनीला आइसक्रीम डाल देते हैं। आप चाहें तो एक स्कूप भर के भी आइसक्रीम ले सकते हैं। और साथ ही डालेंगे इसमें हम फुल क्रीम मिल्क और इसको चर्न कर लेंगे। चर्न करने के बाद जिस भी जार में आपको इसे सर्व करना हो, मैंगो शेक को उसमें डाल दें। और फिर से थोड़ी सी वनीला आइसक्रीम इसके ऊपर हम रखेंगे, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने आइसक्रीम थोड़ी कम ऐड की है, क्योंकि मैं आइसक्रीम के साथ ही इसे गार्निश करूँगी। और फाइनल गार्निशिंग इसकी हम करेंगे थोड़े से मैंगो फ्लेवर व्हिप्ड क्रीम के साथ। इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है और ये देखने में भी बहुत अच्छा लगने लगता है। व्हिप्ड क्रीम में मैंने थोड़ा सा मैंगो क्रश ऐड कर लिया है और मैंगो फ्लेवर क्रीम बनके तैयार हो गई है। अगर आपके पास इस तरह से मैंगो फ्लेवर क्रीम नहीं है तो आप नॉर्मल व्हिप्ड क्रीम भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। थोड़े से मैंगो पीसेस इसके ऊपर लगा देते हैं। ये आपकी क्रिएटिविटी है, आप जिस तरह से इसे गार्निश करना चाहें। थोड़ा सा चेरी इसके ऊपर लगाएंगे और थोड़ा सा इसके ऊपर हम स्प्रिंकल करेंगे मैंगो क्रश। और ये लीजिए, 5 मिनट में मैंगो शेक बनके हमारा रेडी हो गया है। बहुत ही सुंदर लग रहा है ये देखने में और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।